आवाज न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही समाचारों के साथ साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। ले चलते हैं आपको बालोतरा के बाड़मेर की ओर, जहाँ जिला रोड सड़क निर्माण का कार्य राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, जिसके चलते आम आदमी परेशान होते हुए नजर आ रहा है। राजनीति की भेंट चढ़ा जेला रोड सड़क निर्माण कार्य। गत और पूर्वी नगर परिषद ने टेंडर जारी कर सड़क निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। जेला रोड बापू नगर अध्यक्ष सुरेश कोठारी ने बताया कि वार्ड पार्षद की हर धर्मिता के आगे ये सड़क निर्माण का कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा। इस संबंध में वार्डवासियों ने संभाग के आयुक्त, जिला कलेक्टर, बालोतरा उपखंड के अधिकारी, नगर परिषद सभापति, आयुक्त नेता परिषद आगे जनप्रतिनिधियों के आगे गुहार लगाई, मगर आम आदमी की आवाज नक्कर खाने में तूते की आवाज बनी। सुरेश कोठारी, बापू नगर अध्यक्ष, जेला रोड बालोतरा के जो रोड पे पानी का भराव होता था, गंदे पानी का भराव होता था, इसलिए हमने इस रोड के लिए नगर परिषद, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी सबको लिखित में ज्ञापन दिया, परंतु इसकी कोई आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस रोड पर पानी भराव होने के कारण हमने जून महीने में हमारे खुद के पैसों से हमने इस रोड को ऊपर करवाई थी, तो आज इस रोड पर ज़्यादा बारिश होने के कारण ककरी बिकरी हुई पड़ी है और इस रोड का टेंडर 45 लाख का हो रखा है, करीब उसको भी एक साल हो गया है। इस रोड का टेंडर वे हमने नगर परिषद के पार्षद ओम प्रकाश देवासी से भी सहमति लेटर लिया था और हमारे को लेन देन की भी बात हुई थी, तो हमने उसको स्पष्ट कहा था कि जो रोड का काम होगा उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे, आप ये काम पूरा करवा दो। तब बोला कि हमारे को पहले पैसे दो। हमने मना किया कि भाई काम नहीं होने से पहले हम पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मार्केट का काम है, हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है। इसलिए मार्केट वालों की सहमति नहीं होने के कारण हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए आज ये रोड में बाधा डाल रहा है और हम यही बालोतरा इस रोड पर